हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में प्लांट लेआउट चैप्टर की मीनिंग, डेफिनेशन और उसके ऑब्जेक्टिव्स करवा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे उसके प्रिंसिपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स हैं, कुछ 9 प्रिंसिपल आई थिंक। हाँ, 9 प्रिंसिपल्स हैं। इसमें से अगर आप 4 या 5 प्रिंसिपल्स भी पढ़ेंगे तो बहुत होगा एग्ज़ाम के लिए। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम मूवमेंट। As far as possible, material and labor should be moved over minimum distance. इसमें प्रिंसिपल में कहा गया है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार जो लेबर है और जो मटेरियल है, चाहे वो रॉ मटेरियल जो होता है, उसके बीच में जो है कम डिस्टेंस होना चाहिए। द मटेरियल शुड बी ट्रांसपोर्टेड इन बल्क रैदर देन इन स्मॉल अमाउंट। जो हमारा मटेरियल होता है वो थोक में आना चाहिए, स्मॉल अमाउंट में नहीं आना चाहिए। मैन एंड मटेरियल शुड ट्रैवल द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑपरेशंस। प्रोडक्शन ऑपरेशन यानी कि जो प्रोडक्शन होता है गुड्स का, तो मैन और मटेरियल यानी कि उनके दोनों के बीच में कम डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे कि दोनों का जो टाइम है वो कम वेस्ट हो। नेक्स्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि दिस विल अवॉइड वेस्टेज ऑफ लेबर एंड टाइम एंड द स्पीड ऑफ प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमाइज्ड। यानी कि लेबर और टाइम का जो वेस्टेज है वो नहीं होगा और प्रोडक्शन की जो स्पीड है वो बनी रहेगी मैक्सिमम। देन आता है सेकंड, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लो। इस वाले प्रिंसिपल के अनुसार जो हम काम कर रहे हैं यानी कि जो ऑपरेशन जो प्रोसेस हो रहा है वो लाइन वाइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम अपने घर में सब्जी बनाते हैं तो जब फाइनल सब्जी बनती है वो तो रिजल्ट होता है, बट उससे पहले तो हम सब्जी को धोते हैं, फिर काटते हैं, ठीक है, फिर आगे का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तो उसी तरीके से सीक्वेंस में होना चाहिए, यानी कि वन फर्स्ट में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। अब इसे करने से क्या होगा कि हमारा जो फ्लो ऑफ मटेरियल है, जो जैसे कि हम काम कर रहे हैं ना, वो बना रहेगा, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं आएगा, ठीक है, मटेरियल में कोई भी डीले नहीं आएगी, यानी कि हम बाद में टाल मटोल नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी जो हमारा जो मटेरियल का जो मूवमेंट है वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। देन आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्पेस। ये इस प्रिंसिपल के अनुसार जो क्यूबिक स्पेस होता है ना, हमारे फ्लोर स्पेस पे अवेलेबल जो हॉरिजॉन्टल और जो वर्टिकल स्पेस होता है, हमें फ्लोर स्पेस ही रूम का यूज़ नहीं करना, मतलब वो तो हम करेंगे फ्लोर का स्पेस, मतलब रूम का फ्लोर स्पेस यूज़, बट उसको छोड़कर जो सीलिंग हाइट होती है ना, हम उसको भी यूज़ करने की कोशिश करेंगे, उसको भी यूटिलाइज़ करेंगे, जिसमें हम अपना मटेरियल्स रख सकते हैं, ठीक है। देन आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ सेफ्टी। ये जो प्रिंसिपल होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी प्लांट लेआउट के लिए, क्योंकि ये जो सेफ्टी का प्रिंसिपल है ये हमारे वर्कर्स के लिए होता है। बेसिकली हम उनको यकीन दिलाते हैं कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है, वो एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। तो हम उन्हें ये यकीन दिलाने के लिए उनके लिए कुछ प्रोविजंस बनाते हैं। प्रोविजंस क्या होता है हमारा, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ठीक है। उनको जो है एक अच्छी वर्किंग प्लेस देते हैं, उनको एक अच्छा माहौल देते हैं, यानी कि वेल वेंटिलेटेड देते हैं, जिसमें कि ना तो जिसमें ना धूप आए, ना डस्ट आए, गंदगी धूल गंदगी ना आए, ठीक है। और जितने भी हैजर्ड कंडीशंस होती हैं, यानी कि जो भी ख़तरनाक कंडीशंस हैं, उससे उनको फ्री करें, उनको सेफ्टी रखें, ठीक है, जिससे कि जो वर्कर्स की एफिशिएंसी है, काम करने की जो क्षमता है वो बनी रहे और ये जो मोरल है ये भी इम्प्रूव रहो, यानी कि इसमें इम्प्रूवमेंट आए, ठीक है। देन आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। लेआउट शुड बी सो डिज़ाइन दैट प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ कैन ईजिली बी रीअरेंज वन इट बिकम्स नेसेसरी इन फ्यूचर ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। देखिए, हमारा जो लेआउट है वो इस तरीके से अरेंज रहना चाहिए, इस तरीके से बना रहना चाहिए, ताकि अगर भविष्य में हम कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज लाना चाहें या अपने प्लांट लेआउट को बढ़ाना चाहें, एक्सपेंड करना चाहें, तो उसमें जो चेंजेस आ उसको हम दोबारा से रीअरेंज कर सकें, यानी कि दोबारा से लगा सकें। इस तरीके से जो हमारा लेआउट है वो बना रहना चाहिए, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देन हमारा आता है 6th प्रिंसिपल, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ इंटरडिपेंडेंस। अब ये जो प्रिंसिपल है ये बोलता है कि इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशंस एंड प्रोसेस शुड बी लोकेटेड इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू ईच अदर। जो इंटरडिपेंडेंट ऑपरेशन होने हैं, जो प्रोसेस होना है, वो प्रॉक्सिमिटी यानी कि एक दूसरे के उस पर अलग लोकेट होना चाहिए, ठीक है। देन आता है इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, फॉर एग्जाम्पल मटेरियल शुड बी स्टोर्ड नियर द एरिया ऑफ रिक्वायरमेंट। जो मटेरियल है वो कहाँ पर स्टोर रहना चाहिए, जहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है।
देन आता है हमारा सेवेंथ प्रिंसिपल ऑफ ओवरऑल इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एकमता। ऑल द प्लांट फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज शुड बी फुल्ली इंटीग्रेटेड इनटू अ सिंगल ऑपरेटिंग यूनिट सो एज टू मैक्सिमाइज इफिशियंसी एंड मिनिमम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए जो हमारी प्लांट फैसिलिटीज़ हैं सारी जो सर्विसेज हैं वो सारी यानी कि उनकी एकमता यानी कि जितना भी है ना उनकी एकमता वो सिंगल ऑपरेटिंग यूनिट में होनी चाहिए जिससे कि जो है एफिशिएंसी मैक्सिमाइज की जा सके और जो कॉस्ट प्रोडक्शन है वो कम आए यानी कि मिनिमाइज आए। देन आता है हमारा एट्थ प्रिंसिपल दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट। अब ये प्रिंसिपल बोलता है कि लेआउट शुड यील्ड सेविंग्स। लेआउट को सेविंग्स करनी चाहिए फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से थ्रू किसके द्वारा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल फैसिलिटीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में से सेविंग्स करनी चाहिए। ठीक है, देन आता है हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट प्रिंसिपल दैट इज़ प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम एक्सेसिबिलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है आइए इसको पढ़ते हैं। द लेआउट ऑफ द प्लांट शुड इंश्योर दैट ऑल एसेंशियल रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू द लेबर एंड मशीन्स विदाउट एनी डिले। ये कहता है कि जितने भी जो भी ज़रूरी सामान है जो भी ज़रूरी रिसोर्सेज है वो टाइम पर बिना देरी किए हुए लेबर को मिल जाना चाहिए। द एसएल शुड बी फ्री फ्रॉम ऑब्स्टिकल्स, तो जितने भी मुश्किलों से ही फ्री रहना चाहिए। द मटेरियल शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज टू द मशीन कंसर्न एज पॉसिबल, जो मटेरियल है वो जो द मटेरियल शुड बी प्लेस्ड मटेरियल को ऐसी जगह लगाना चाहिए जिससे वो मशीन की क्लोज रहें। ठीक है, तो आज हमने पढ़े हमारे प्लांट लेआउट के कुछ 9 प्रिंसिपल्स। ठीक है, सो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।